एवरीवन, दिस इज मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे। और ये रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिनकी आपके पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। सो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या आप लोगों की बातचीत होगी, हाँ या ना। और इस रीडिंग में हमने ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड किए हैं जस्ट टू गिव यू द गाइडेंस कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में जो आपकी चल रही है विद अ स्पेसिफिक समवन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है और जिसके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्या वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं, क्या कम्युनिकेशन हो पाएगी या नहीं, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं पायल। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली दो पायल्स हैं, ग्रीन पायल और येलो पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करनी है आप अपने आंसर के लिए चूज़ कर सकते हो कि क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और होल्ड ऑन, सो या देखते हैं क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे और क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में जो आप अभी फेस कर रहे हो इस इंसान के साथ। सो स्टार्ट करते हैं पायल येलो से, देखते हैं जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन में। येलो पायल, पहले टैरो चेक करते हैं, देन उसके बाद ओरेकल कार्ड्स देखेंगे क्या वो अनब्लॉक करेंगे। तारा, यस और नो? नाइन ऑफ वांड्स, नहीं, इट्स लाइक नाइन ऑफ वांड्स। ये एटलीस्ट अभी इन नियर फ्यूचर अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, क्योंकि ये अभी इस कनेक्शन से दूर भागना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है इनके लिए, जबकि मुझे लगता है कि टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में इनकी वजह से ज़रूर ऐड हुई हुई है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक लगते हो, इनको कहीं ना कहीं आपसे भी दूर भागना है। सो मुझे नहीं लगता कि ये भी आपको जल्द यू नो अनब्लॉक करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक वन साइडेड ही रहा है हमेशा से, और अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें कम्युनिकेशन होने के चांसेस कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इस कनेक्शन को। मुझे यू नो विद द डेविल एनर्जी हेयर, मुझे लगता है कि यू नो कहीं ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है इनकी लाइफ में। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं और से आ रहा है, एक वो भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यूजली मैं इस कार्ड में ये पीछे एक इंसान बैठा है, मैं उसको कभी भी मेरी नज़र नहीं गई उस इंसान के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस ऐड हो रहा है इस कनेक्शन में। उन्होंने क्यों आपको ब्लॉक किया, कहीं ना कहीं एक और इंसान है जो कि इन्फ्लुएंस बना हुआ है इस कनेक्शन के ऊपर। वो इंसान डजेंट हैव टू बी कि इनकी लव लाइफ में कोई इंसान है, हो सकता है कि इनकी पेरेंट्स हों, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वो अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे किसी भी चीज़ की तरफ, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे राइट नाउ। उनको लगता है कि आपसे बातचीत करना एक ऐड ऑन है उनके हेडेक के लिए, तो वो उनको नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको जल्द ही अनब्लॉक करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फियर भी है इस कनेक्शन को लेकर। इनको लगता है कि दो तरह के फियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको फियर ये हो कि ज़्यादा अटैच ना हो जाए, क्योंकि ये शायद रिलेशनशिप परसों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई और इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या यू नो हो सकता है कि इनके एक ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि इस तरह की रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक फियर भी हो सकता है। उसके अलावा फियर ये भी हो सकता है कि यू नो ज़्यादा अटैच हो गए, और नहीं, ये एक फियर तो ये हो गया। दूसरा फियर ये हो सकता है कि कमिटमेंट अभी नहीं कर सकते, नॉट दैट कि कर नहीं सकते, जस्ट दैट कि करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको फियर है कि रिलेशनशिप लास्ट नहीं करती। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में किसी के इतना यू नो क्लोजली एक ऐसा सिचुएशन देखी हो जिसमें रिलेशनशिप जो है वो फेल हो गया हो, और बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ, जहाँ पे डाइवोर्स हो गई हो या मार कुटाई होती हो या उस तरह की सिचुएशन, बुरी सिचुएशन इन्होंने देखी हो, जिसकी वजह से इनको वो यू नो एक कमिटमेंट का फियर है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। अक्सर लोगों के साथ होता है, चाहे आपकी बहन ने सफ़र किया हो या भाई ने सफ़र किया, तो आपको डर बैठ जाता है। तो वो इनकी लाइफ में हो सकता है, हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, हो सकता है कि इनके जो मदर या फादर हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, ये भी हो सकता है कि उसके चक्कर में ये अपना
एक फियर बना के बैठ गए, एक बिलीफ बना के बैठ गए कि शादी वगैरह या इस तरह की कमिटेड रिलेशनशिप चल नहीं पाती या प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप जब भी इनको कहोगे कि मैं आप इनको प्यार करते हो तो ये आपसे दूर भागेंगे, तो उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी ये अपने उस माइंडसेट में ही हैं जिसकी वजह से ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो और अगर आपको इतना ख़ास कोई इनसे प्यार या लगाव नहीं है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप अपने आप को इस इंसान से दूर कर लो। लेकिन देखते हैं कि ओरेकल क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ओरेकल मैसेजेस में क्या है। लेट्स फाइंड आउट। बैक टू वट यू लव, री इवेल्यूएट योर डिज़ायर्स। मुझे लगता है कि यू डिज़र्व बेटर पर्सन, यू डिज़र्व बेटर सिचुएशन इन योर लव लाइफ। आपको चाहिए कि आप अपने जस्ट जस्ट नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ समबडी हु विल लव यू, यू नो हु लव्स यू, हु वैल्यूज़ यू। इस इंसान के साथ रहते हुए ये इंसान आपको कभी भी प्रायोरिटाइज शायद ना कर सके, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है जो कि शायद आप अनअवेयर होगे, लेकिन इनका माइंडसेट हेल्दी माइंडसेट नहीं है। काफ़ी एक वो नार्सिसिस्ट एक वर्ड होता है ना, जिसमें जो बेसिकली जिनको हर चीज़ में अगर कुछ गलत है तो बेसिकली आपकी वजह से है, हर चीज़ में जो सही है वो उनकी तरफ से आ रहा है। तो इस तरह का एटीट्यूड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपके लिए कहीं भी किसी भी तरह से अच्छा है या रह सकता है। ब्लॉक अगर इन्होंने आपको किया हुआ है तो इट्स बेटर कि आप उनको अपनी लाइफ से किकआउट ही कर दो, क्योंकि आपको वो सब करना चाहिए, वो उस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हैप्पीनेस ऐड करे, जो कि ये इंसान आपकी लाइफ में अभी तो क्या मुझे लगता है कि कुछ महीनों तक एटलीस्ट जब तक ये ग्रो नहीं करता, हील नहीं करता, ये आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज करो कि आपको किस तरह का लाइफ चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए। ट्राई टू मैनिफेस्ट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। ये इंसान आपके काबिल नहीं है या आपके प्यार के काबिल नहीं है। सो कोशिश करो कि अपना अपना माइंडसेट क्या आपको जो जो ये इंसान है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, अगर आप जस्ट ठंडे दिमाग से अपना प्यार को साइड पे करके ज़रा सोचो कि अगर ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, जिसको जो हर टाइम पे हर चीज़ पे आपको कहे कि तुम्हारी गलती से ये हुआ, तुम्हारी गलती से हुआ, आपको आई एम श्योर कि ये इंसान इस तरह की सिचुएशन में कभी वापस नहीं चाहिए होगा, ना ही आपको चाहिए होगा कि आपकी इससे शादी हो, क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी एक रिलेशनशिप देगा आपको। लेकिन अगर आप अगर आप इमेजिन करो कि आपको ये इंसान इसी तरह की सिचुएशन में चाहिए जैसे ये अभी आपको ट्रीट करते आए हैं या कर रहे हैं, तो आपका आंसर हमेशा नो होगा। आप इनसे बेसिकली कुछ और विश कर रहे हो या कुछ और डिमांड कर रहे हो या कुछ और होप कर रहे हो कि ये एक चेंज इंसान होके आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, तो वो ये नहीं है। तो अपने माइंड में जो एक वो चेंज वाला लाइफ पार्टनर आपने बनाया हुआ है, जिसको आप कोशिश करते हो कि ये इंसान वो चीज़ बन जाए, ये नहीं बनेगा। आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर फोकस रखते हुए कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं दूसरा ऑरेकल कार्ड क्या ऐड करता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। आई फील लाइक देखो सिचुएशंस जो हैं हमें नहीं पता कि आगे कैसे जाती हैं, लेकिन राइट नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू डिज़र्व लव। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर ये इंसान सही हो जाता है, इंसान बन जाता है इन फ्यूचर, और अगर उसको अपने फियर्स के ऊपर काम कर लेता है, ये जो इसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस आ रहा है वो ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, नेगेटिविटी का भी हो सकता है, पेरेंट्स या किसी ऐसी चीज़ का भी हो सकता है जिसने एक बुरा असर छोड़ा है इसके ऊपर, वो चीज़ों से जब ये निकल आएगा और अगर ये रेडी हुआ इन फ्यूचर, तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। हो सकता है कि आपका इसके साथ कुछ बन सके, कुछ पॉसिबिलिटी हो सके, लेकिन किसी भी केस में आपको सेटल इन फॉर लेस नहीं करना। आपको अपना फोकस जो है वो प्यार के ऊपर ही रखना है कि आप डिज़र्व करते हो ये सब। आप इसके पीछे पागलों की तरह भागना डिज़र्व नहीं करते। ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया, यू जस्ट नीड टू किक दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, दैट्स वट यू नीड टू डू। फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो करंट एनर्जीज हैं ये आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे और आप अपना टाइम इस इंसान के साथ जस्ट वेस्ट कर रहे हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज किया, उपसी, सी दैट्स व्हाट हैपेंस। सो जिन लोगों ने ग्रीन ग्रीन पाइल चूज किया उन लोगों के लिए क्या आने वाला है। तो देखते हैं, पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे फिर ओरेकल देखेंगे। टैरो से देखते हैं पहले कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे, यस और नो, लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या बोला, क्या ये आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे या अनब्लॉक करेंगे? द आंसर इज अ बिग यस, ये आपको अनब्लॉक करेंगे। और जब ये करेंगे उसके बाद आप लोगों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी।
लेकिन कब करेंगे वो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये आपको ब्लॉक जब इन्होंने किया तो काफ़ी हद तक यू नो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो शायद ये करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको इनको इनके पास रास्ता नहीं था वो करने का। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक नहीं किया कि आपसे प्यार नहीं करते, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक नहीं किया कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया था। इन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक किया था ताकि ये अपना टाइम ले सकें, जिसमें ये डिसाइड कर सकें कि उनको आपके साथ क्या चाहिए, उनको आपके साथ इनके कनेक्शन में क्या चाहिए। दैट वॉज द रीज़न। अब जब वो आपको अनब्लॉक करेंगे, अभी आपकी चाहे नो कम्युनिकेशन में हो, लेकिन जल्द ही आपकी कम्युनिकेशन होगी, और जब आपको अनब्लॉक करेंगे तो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे मोड़ की तरफ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, रीज़न आप लोगों की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि रीज़न वॉज अनदर पर्सन या रीज़न वॉज कि कोई और इन्फ्लुएंस था, जस्ट दैट कि उनको स्पेस चाहिए थी। शायद आप इनको स्पेस नहीं देते थे, शायद आप यू नो जो डिमांड कर रहे थे, जो चाह रहे थे, वो ये उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थे उस सब के लिए। और अब इन्होंने आपके साथ यू नो जो डिटैचमेंट थी, उस फेज़ ने इनको रियलाइज़ करवाया कि आप और इनका कनेक्शन क्या है और आप और इनका कनेक्शन क्या हो सकता है, जिसकी रियलाइजेशन के बाद, जिसकी अवेयरनेस के बाद ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे और आपको आपके साथ एक नया इनका स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि जो एक सेकंड में एक और कार्ड पहले देख लूँ, एक मिनट क्लैरिफाई कर लूँ, एक माइंड में मेरी एक बात आ रही है, लेट मी री कन्फर्म दैट मैसेज पहले। आपने यू नो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक ये सोचते हो कि शायद इन्होंने आपको किसी और की वजह से ब्लॉक कर दिया था, या कुछ और इनकी लाइफ में ऐसा आ गया था। जो भी सिचुएशन, अगर कुछ ऐसा हुआ भी था, तो वो अब नहीं है इनकी लाइफ में। यू नो वो एक अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही भी रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, वो अब इनकी लाइफ में नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये आपके पास वापस आएंगे, आपको वापस रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, और यू नो दैट कि ऐसा कुछ यू नो कोई और इंसान नहीं था रीज़न, तो कभी भी इनके आपका मैसेज ना करना, इनका आपको ब्लॉक रखे रखना। आपने अपने माइंड में कभी भी एक फियर नहीं आने देना कि ये इनकी लाइफ में कोई और है। आपने हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि इन्होंने जो टाइम लिया, कहीं ना कहीं ये उस टाइम में आपकी वर्थ को जो है वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये सोच के अगर आप चलोगे तो आपको वो सब मिल जाएगा इस इंसान के साथ रहते हुए जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में ये भी वही सोचते हैं। तो मेक श्योर कि आप कभी यू नो नेगेटिव नहीं सोचो। यू नो अगर आप ये सोचोगे कि शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया होगा, उनके जहन में भी ये चीज़ आएगी कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, और वो बेसिकली आप दोनों के कनेक्शन को ब्लॉक करेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप डिटैचमेंट में भी हो, और अगर आप सीरियसली इस इंसान में इंटरेस्टेड हो या प्यार करते हो इसको, तो एक दिल से एक जो है बिलीफ बना लो कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में कोई दूरी नहीं आएगी, और जो भी चीज़ें, जो भी डिलेज हैं, जो भी यू नो ब्लॉक किया हुआ है, वो चीज़ें जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी। जो भी इश्यूज थे, जो भी यू नो क्लाउड था जो इनके जहन में था, वो क्लियर हो जाएगा, और जल्द ही ये अनब्लॉक करके आपको मैसेज करेंगे। तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर रखो। मीन वाइल अगर आप इधर उधर यू नो फ्लर्ट करते रहते हो, या इधर उधर आप यू नो अफेयर्स चलाते रहते हो, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग जो है इस इंसान के साथ नहीं आएगी। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाओ, लेकिन अगर आप यू नो एक उस तरह की मोड में हो जहाँ पे यू आर ओपन टू हैव समबडी न्यू, और फिर साथ में इस इंसान का इंतजार करो कि कब ये अनब्लॉक करेंगे, तो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, चीज़ें अच्छे वे में आगे नहीं जाएंगी। रिकनसाइल फिर भी हो जाएगा, शायद ये वापस फिर भी आ जाएंगे, लेकिन वो लास्ट नहीं करेगा रिलेशनशिप। सो मेक श्योर कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ कैसा है, और फिर उस इंसान का कनेक्शन भी आपके साथ उस लेवल का होगा या नहीं होगा, वो आपके उसके ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन होके फिर दोबारा जो है वो ब्रेकअप हो सकने के चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो कि अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर रहे हैं, बींग इनडिसाइसिव। यू नो अगर इनको क्लैरिटी आ रही है, ये वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी जा रही है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि मतलब एक वो चीज़ है कि शायद डिले इसका जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं खुद भी जो है वो थोड़ा डबल माइंडेड हो कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। समर मंथ, लियो का जो महीना है विच इज़ अगस्त, वो महीना आप लोगों के कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक सेकेंड, उस महीने में हो सकता है कि आप शादी करो या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप का आगाज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो महीना आप लोगों के लिए। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे।
हो सकता है कि आपके पर्सन लियो हो सकता है कि फायर साइन हो जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो सकता है कि आपका खुद का फायर साइन हो, लेकिन अगर फायर साइन नहीं भी है तो उनके एटीट्यूड में एक बहुत बड़ी एक फायर एनर्जी है उनके एटीट्यूड में, या आपके भी हो सकती है ईगो और फायर एक एनर्जी हो सकती है जिसमें आप दोनों एक जिद्दी और ढीठ किस्म की जो एनर्जी है ना वो दोनों में पाई जाती है, आप में भी और आपके पर्सन में भी। तो कहीं ना कहीं ईगो का इशू रहता है आपके पर्सन को भी और आपको भी। सो कोशिश करो कि इस तरह की चीज़ें नहीं आए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। अगर वो रिकनसाइल करने भी आते हैं तो ड्रामेबाजियाँ नहीं हो कनेक्शन में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड क्लियर। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज द ट्रुथ। मुझे लगता है कि आपके जो बेसिकली पर्सन हैं, जैसे मैंने कहा ना कि क्लैरिटी के लिए उन्होंने टाइम और स्पेस लिया था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, लेकिन आप व्हाइल यू वेट फॉर दिस पर्सन टू अनब्लॉक यू, आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहो कि लव इज़ ऑल अराउंड यू, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका नाम लेकर बोलो और इस तरह की एफर्मेशन जो है वो बोलते रहो और फील करो, नॉट जस्ट कि वर्ड से बोलो बट ऑल्सो फील दैट फीलिंग कि वो अगर आपको प्यार करते हैं तो आप कैसा फील करो, कैसी आप क्यों आप उनकी इमेज जो है वो अपने आंखों में आंखों के सामने लेकर आओ, कैसा आपकी वो कनेक्शन था जब वो आपको एक्सप्रेस करते थे कि वो दे लव यू। तो उस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो ताकि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ वो जल्द से जल्द आ सके, लेकिन डेफिनेटली ये आपको अनब्लॉक करेंगे और आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पॉजिटिव जाता है और कितना टाइम तक वो पॉजिटिव रह पाता है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।